Hello students, here is the video of class 8 science and I have taken some questions from the chapter 5 which is combustion and flame and I will discuss those questions with the solutions. So let's begin. The first kind of questions are take the correct option and the first question is which of the following is not a liquid fuel? So the options are petrol, kerosene, diesel and LPG. So out of these four fuels you have to opt that which one is not a liquid fuel. कौन से इसमें से ऐसा fuel है जो liquid form में नहीं पाया जाता है. Options हैं petrol, kerosene, diesel and LPG. तो आप जानते हो कि petrol भी liquid form में होता है, kerosene भी, diesel भी, सब oil होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं, लेकिन जो एलपीजी है दैट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस. ये गैसोस फॉर्म में होता है तो इसलिए हम इसको लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट अ लिक्विड फ्यूल. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज एलपीजी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. विच गैस टू बर्निंग सबस्टेंसेज रिएक्ट विथ. जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. तो आपने कंबशन में पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें कोई भी सबस्टेंस जो होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और एट द एंड ऑफ दिस बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है ना. तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ऑक्सीजन. कोई भी चीज़ जब भी जलेगी तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट फॉर एन आइडियल फ्यूल. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आइडियल फ्यूल में नहीं होती है? इट शुड बी सेफ टू हैंडल. जी हाँ, आइडियल फ्यूल वो फ्यूल है जिसको आप बहुत आसानी से अच्छे से हैंडल कर सको और वो सेफ हो, मतलब उससे कोई दुर्घटना ना हो, कोई रिस्क ना हो. इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट. जी हाँ, ये अच्छे फ्यूल की क्वालिटी है कि जब भी आप उसको बर्न करेंगे तो उससे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ना जनरेट हो, पॉल्यूशन ना हो. इट शुड हैव वेरी हाई और वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. जी नहीं, कोई भी अच्छा फ्यूल अगर उसका बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा तो आपको उसको बहुत हीट देना पड़ेगा उसको जलाने के लिए, और अगर वे बहुत ही लो होगा तो वो अपने आप ही जल जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो आग लग जाएगी ऑटोमेटिकली. तो ये नहीं होना चाहिए. दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ आइडियल फ्यूल. ठीक है, चौथा देखिए क्या दिया हुआ. इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि अगर आप एक यूनिट, एक मिनिमम यूनिट ऑफ फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो उससे कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट हो रही है. तो अगर जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम फ्यूल से क्या चाहते हैं, हमें हीट एनर्जी ही चाहिए होती है. वी आर मोटिव टू बर्न द फ्यूल टू गेट द एनर्जी, राइट. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उतना अच्छा है. तो अच्छे फ्यूल में, आइडियल फ्यूल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दिस दिस एंड दिस, लेकिन ये जो है वो आइडियल फ्यूल का प्रॉपर्टी नहीं है. और यही पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि कौन सा आइडियल फ्यूल का प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन. स्पॉन्टेनियस कम्बशन कौन एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस व्हेन रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन अ गैस स्टोव, बर्निंग ऑफ पेपर, द एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर. स्पॉन्टेनियस कम्बशन वो होता है जिसमें कोई चीज़ अपने आप जलने लगती है बिना इग्निशन टेम्परेचर दिए, और ये इसमें कोई इग्निशन टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आपको पता है कि बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस जो है व्हेन रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर होता है वही फॉस्फोरस का जो होता है इग्निशन टेम्परेचर होता है. तो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है. इसको अलग से कोई इग्निशन टेम्परेचर या हीटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें आपको इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाता है, कंबशन होने लगता है. ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. इसमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है? कैरोसिन, बायोगैस, पेट्रोल, LPG. मतलब ऐसी कौन सा फ्यूल है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी? तो आप जानते हैं कि LPG जो है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्बस्टाइल सबस्टेंस. इसमें से कौन सा कम्बस्टाइल सबस्टेंस नहीं है? कैम्फर, ग्लास, स्ट्रॉ, एल्कोहल. कम्बस्टाइल सबस्टेंस कौन होते हैं? जिनको जो क्या हो सकते हैं, कम्बशन हो सकता है, जिनमें क्या हो सकता है, कम्बशन, जो बर्न हो सकते हैं, उनको हम कम्बस्टाइल बोलते हैं. तो आपको पता है कि कैम्फर और यानी कि कपूर, स्ट्रॉ यानी कि घास, ये सॉरी भूसा, और एल्कोहल, आप जानते हैं ये तीनों क्या हैं, कम्बस्टाइल है, इसमें आग लग सकती है. लेकिन ग्लास में, शीशा में जो है वो आग नहीं लगती, तो ग्लास इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबस्टेंस दैट डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम इज. इनमें से कौन सा सबस्टेंस है जो फ्लेम के बिना जलता है? LPG, ड्राई ग्रास, कैम्फर, चारकोल. तो आपको पता है कि फ्लेम क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेपर. जब कोई फ्यूल का जो वेपर है जब वो बर्न करता है तो फ्लेम बनती है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए LPG भी फ्लेम के साथ जलता है, कैम्फर भी फ्लेम के साथ जलता है, ड्राई ग्रास भी, क्योंकि जब भी ये सब जलेंगे तो उससे क्या होगा, वेपर बनेगा, और उस वेपर से क्या होगा, वेपर जब वो जलेगा तो फ्लेम आपको मिलेगी देखने को. लेकिन ये जो चारकोल होता है, दैट चारकोल डजेंट बर्न विद द वेपर, सो दैट इट डजेंट फॉर्म द फ्लेम. तो कैम्फर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द सबस्टेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज. इनमें से कौन से फ्यूल का जो है वो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हाइएस्ट है? केरोसिन, कोल, पेट्रोल, एल्कोहल. मतलब कौन सा ऐसा सबस्टेंस इनमें से है जिनको जलाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल, कोल. देखिए ये जो केरोसिन है, पेट्रोल है, एल्कोहल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है. इनको कम से कम एक एक स्पार्क भी अगर आप इसको दे दें तो तुरंत ये जलने लगते हैं ना. अगर पेट्रोल में एक माचिस की तीली भी आप लगा दोगे, छोटा सा स्पार्क भी लगा दोगे तो तुरंत जल जाएगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है. लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाइएस्ट. और तो हाइएस्ट इसमें से क्या होगा, कोल है ना. कोयले को आप एक स्पार्क से नहीं जला सकते, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो राइट ऑप्शन होगा कोल. नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट फायर्स आर यूजली ड्यू टू. जंगलों में आग लग जाती है, क्यों लग जाती है, इसका आंसर बताना है. केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस, हीट ऑफ सन, कटिंग ऑफ ट्रीज, लाइटनिंग स्ट्राइक. ठीक है, तो जंगलों में आग लग जाती है हीट ऑफ सन की वजह से, ठीक है, हीट ऑफ सन की वजह से, धूप जो सन से हीट मिलती है उससे इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मिल जाता है. जो सूखे पेड़ होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और वो अपने आप जलने लगते हैं. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज हीट ऑफ सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल. इनमें से कौन सा फ्यूल है जिसको आप कहोगे कि ये क्लीनेस्ट है? क्लीनेस्ट का मतलब इससे कोई रेजिड्यू नहीं निकलता है और आपके एनवायरमेंट को कोई पोल्यूशन नहीं होता है. काउ डंग केक, पेट्रोल, केरोसिन, हाइड्रोजन गैस. तो इनमें से जो सबसे क्लीनेस्ट जो फ्यूल होगा, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को जब आप जलाओगे तो उससे बहुत सारी हीट एनर्जी मिलेगी, लेकिन उससे कोई रेजिड्यू नहीं होता है, निकलता है, कोई लेफ्ट आउट सबस्टेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लीनेस्ट फ्यूल है जो कि हम रॉकेट वगैरह में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स. तो चलिए फिल करते हैं. कंबशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ कंबस्टाइल सबस्टेंस एंड. कम्बशन जो है एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, उसमें कोई कम्बस्टाइल सबस्टेंस होती है और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन. ठीक है, दूसरा इज ऑक्सीजन. दूसरा सबस्टेंस क्या होता है, ऑक्सीजन, जो कम्बस्टाइल सबस्टेंस से रिएक्ट करता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पर आप क्या फिलअप करोगे, ऑक्सीजन, O2, राइट. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग यू डैश कम्बशन इज द कम्बशन दैट अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट. ऐसा कम्बशन जिसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं चाहिए, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं कम्बशन, उसको हम लोग बोलते हैं स्लो कम्बशन. ओके, इट इज कॉल्ड स्लो कम्बशन, राइट. द स्लो कम्बशन डजंट नीड एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन. नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इंडिकेट्स द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल. सो जो येलो फ्लेम में जो येलो
कलर होता है, येलो फ्लेम जो होती है वो ये बताती है, इंडिकेट करता है कि कंबशन जो हो रहा है वो इनकम्प्लीट हो रहा है। ब्लू जब होता है, ब्लू फ्लेम, तो उससे पता चलता है इट इज़ कंबशन इज़ द कम्प्लीट, ठीक है। और येलो फ्लेम जो होती है, यहाँ पर आप फिलअप करोगे येलो, येलो फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इंडिकेट द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट इज नंबर 4, द अनबर्न कार्बन पार्टिकल लीव द फ्लेम इन द फॉर्म ऑफ डैश स्मोक। सो जब भी फ्लेम जलती है तो उसमें जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक स्मोक के फॉर्म में, ब्लैक काले कलर के स्मोक के फॉर्म में निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि पर्टिकुलरली बेसिकली क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। Now, let's see the next statement. Statement 5. The temperature at which a substance catches fire is called its dash temperature. जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलना स्टार्ट करती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट इज 6, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डैश इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। किसी चीज़ का आपको नाम लिखना है जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो वुड से कम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पेपर, ठीक है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर ऑब्वियसली वुड से कम होगा, वो जल्दी जल जाएगा, है ना। वुड को जलाने में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो Now the next statement is, next question is match the items, okay, of column A with the items of column B. Column A को column B से आपको match करना है। Let's see what are these statements. So let's see, column A में दिया हुआ oxides of sulfur and nitrogen, ठीक है। Oxides of sulfur and nitrogen जो होते हैं वो किससे आप match करेंगे इसको, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स आई थिंक। जब ये सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल के फ्यूल से निकलते हैं ना, सीएनजी जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। नो, ऑक्साइड एंड सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ओके। सो यू विल मैच इट विद द एसिड रेन। सीएनजी इज यूज्ड फॉर फ्यूल, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। सीएनजी को हम ऑटोमोबाइल में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फॉर कंबशन के लिए। इनफ्लेमेबल सबस्टेंस जो होते हैं इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कोल के इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज़ द करेक्ट मैच। नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग फॉर द फ्लेम ऑफ कैंडल, ओके। इसको आपको मैच करना है हॉटेस्ट पार्ट, फ्लेम का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है आई थिंक, यस। एंड ये क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन। तो आप इसको इस तरीके से मैच करोगे, ओके। नेक्स्ट जो है मॉडरेटली हॉट जो होता है वो क्या होता है, मिडिल जोन होता है, और मिडिल जोन जो होता है वो येलो कलर का होता है, राइट। लीस्ट जो हॉट होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है अनबर्ट वैक्स वेपर का, और ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ओके। सो दिस इज़ द करेक्ट मैच। नेक्स्ट सी, राइट फॉर ट्रू और फॉल्स, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने और स्टेटमेंट को करेक्टली लिखना भी है। लेट्स सी, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सही है। इट इज़ ट्रू, यस दिस इज़ ट्रू। व्हेन द कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो इट मेक्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, नो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन 2 देखते हैं, स्टेटमेंट 2, इन इनकम्प्लीट कंबशन अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। इनकम्प्लीट कंबशन में बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, नो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स।
इनकम्प्लीट कम्बशन जब हो रहा है तो कहाँ से लाइट और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, नहीं प्रोड्यूस होगी। तो इसको आप करेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको कम्प्लीट कर देंगे, इनकम्प्लीट कम्बशन आप कर देंगे, तो इन दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी करेक्ट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 3, वाटर इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। अगर कोई आग जो है, अगर उसमें आग लगती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो उसको अगर आप पानी से बुझाओगे तो ऑब्वियसली वाटर क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे जो है वो शॉर्ट सर्किट और ज़्यादा आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है, एंड लोगों को शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकते हैं, एंड इससे लोगों की जाने भी जा सकती है। तो और ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होगी अगर हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगी और उसको हम वाटर से बुझा रहे हैं। तो वाटर इज़ नॉट द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, इक्विपमेंट्स में अगर आग लगी हो तो हम उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो सेफ होती है टू पुट आउट द फायर, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ दैट अल्कोहल, सीएनजी एंड एलपीजी आर इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेज। अल्कोहल, सीएनजी और एलपीजी जो हैं वो इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेज हैं। यस, दिस इज़ ट्रू। इनफ्लेमेबल सबस्टेंस कौन होते हैं, जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और वो बहुत आसानी से उनमें आग लग जाती है, राइट। तो अल्कोहल और ये सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको भी हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, ज़रा सा भी इनको स्पार्क मिल जाएगा तो ये तुरंत फायर को कैच कर लेंगे, एंड इट विल स्टार्ट टू बर्न। सो दे आर द इनफ्लेमेबल सबस्टेंस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज ग्रेटर द कैलोरीफिक वैल्यू, बेटर इज़ द फ्यूल। जितनी ज़्यादा किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उतना ही अच्छा होता है। येस, ट्रू ट्रू, दिस इज़ ट्रू। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी मतलब उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, और फ्यूल से जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। सो दिस इज़ द ट्रू। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम इज़ नॉन कम्बस्टाइल मेटल। मैग्नीशियम एक जो है वो नॉन कम्बस्टाइल मेटल है, दिस इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो बहुत तेज़ी से ये जलता है, तो ये कम्बस्टाइल है, इसको आप इरेज कर देंगे अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो। मैग्नीशियम इज़ अ कम्बस्टाइल मेटल, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब इससे आग बहुत अच्छे से बुझ जाती है। यस, दिस इज़ ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, जिससे आग बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से बुझ जाती है, ओके। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। और जो जनरली फायर एक्सटिंगर्स होते हैं, एक्सटिंगशर होते हैं जिनसे हम आग बुझाते हैं, हमारे ऑफिसेज में, स्कूल में, घरों में होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जिससे आग को बुझाया जाता है। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। सो नो नीड टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एंड इन द प्रीवियस वीडियोज़ हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।